नमस्कार दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे कि लेमको की ये जॉयस्टिक व्हील चेयर है, ये लेमको के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाई जाती है। और इसमें ये बैटरी से चलती है और इसमें मोटर लगा होता है, दो मोटर लगे होते हैं और दो बैटरी लगी होती है इसमें। ये देख रहे होंगे जॉयस्टिक व्हील चेयर, इसमें इसको जॉयस्टिक बोलते हैं जिससे कन्ने पर आगे चलती है। इसको चारों तरफ घुमा करके जिधर जिधर ले जाना हो, अगर फॉरवर्ड ले जाना हो तो इसको फॉरवर्ड कर लेंगे, इसको पीछे ले जाना हो तो पीछे लेके जाएंगे, इसको अगर बाएं में ले जाना हो लेफ्ट में तो लेफ्ट की ओर घुमाएंगे तो लेफ्ट की ओर घूमती जाती है, इसको राइट में घुमाना हो तो राइट में करेंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, ये हरे कलर में जो होता है, अगर हरे कलर जलता रहता है बत्ती तो ये फुल चार्ज होती है। ये जो पीला कलर, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है जब हरे कलर से उतर जाएगी बैटरी, जब पीले कलर पर आ जाएगी तो इसका इंडिकेशन होता है कि बैटरी को चार्ज करनी है। ये यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है इस साइड में, ये जो ये यहाँ पर देख रहे होंगे, ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर चार्जर लगा के चार्ज कर लेते हैं। और चार्जर ये इसमें दिया रहता है, इसका ये मैनुअल है और इसमें ये चार्जर है। ये चार्जर अपने जो घरों के जो मेन सप्लाई होती है, जो बोर्ड में लगा करके और यहाँ लगा लेंगे तो यहाँ से चार्जिंग हो जाएगी। इसमें मैनुअल दिया रहता है और इसमें इससे ये देख रहे होंगे कि ये कम और ज़्यादा करने वाला है, अगर इस साइड करेंगे तो कम हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो ये ज़्यादा स्पीड से जलेगी। ये कम ज़्यादा करने के लिए होती है और इसी से ऑन ऑफ भी होता है, ये ऑफ हो गया और यहीं से ये ऑन हो जाता है, देख रहे होंगे। और ये देख रहे होंगे ये हॉर्न है, इसे हॉर्न करने के लिए ये फॉरवर्ड और ये लाइट है, ये आपको लाइट जल जाएगी यहाँ पर, ये लाइट जल रही है, इसे आप लाइट बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं लाइट, देख रहे होंगे। इसके पीछे देख रहे होंगे ये दो बैटरी लगी हुई है इसकी यहाँ पर, ये जिसे इसके पावर मिलता है सप्लाई 24 वोल्ट का, 12 वोल्ट की दो बैटरी लगी हुई है इसमें। ये मोटर, ये दो मोटर लगे हुए हैं पीछे देख रहे होंगे, ये दो मोटर लगे हुए हैं। ये इसको हैंड लॉक बोलते हैं, ये पीछे से इसको, जब आप क्या करते हैं कि अभी ये जॉयस्टिक से यहाँ से इसको आगे पीछे करेंगे, ये आगे तो फॉरवर्ड जाती है बाइक वाली, और जब ये जॉयस्टिक से नहीं, अगर इसको हाथ से आपको ले जाना, देखिए हाथ से नहीं चल रही है अभी, ये हाथ से आगे पीछे नहीं हो रही है। इसको जब यहाँ से अनलॉक करेंगे यहाँ से, तो ये अब हाथ से आगे पीछे हो रही है, ये अब हाथ के द्वारा इसको आप आगे और पीछे ले जा सकते हैं, इसको जैसे चाहे वैसे। और अगर इसको हाथ से नहीं ले जाना, अगर जॉयस्टिक से आप अगर चलाएंगे अब इसके द्वारा आप आगे ले जाएंगे, आगे पीछे ले जाएंगे तो ये नहीं जाएगी अब, ये देखिए कोई काम नहीं कर रही है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ से आप इसको, अभी ये हाथ से चल रही है, ये हाथ के द्वारा चल रही है, अगर इसको जॉयस्टिक से ले जाना चाहें तो नहीं जाएगी। अब फिर यहाँ से इसको ओपन करने के बाद यहाँ से अभी हाथ से देखिए नहीं जा रही है ये। अब इसको आपको जॉयस्टिक से यहाँ से फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यहाँ से इसको पीछे ले जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको इसको लेफ्ट ले सकते हैं, यहाँ से इसको राइट ले सकते हैं, इसके द्वारा ही इसको आप कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये चार्जर के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि इसको 4 से 5 घंटे आप लोगों को चार्ज करना है। यहाँ पर ये प्लग लगा लेंगे आप लोग, इसे प्लग के लगा करके, और जो मेन यहाँ से अपने घर के जो बोर्ड होगा उसमें आप लोग इसको लगा लेंगे, और 5 से 6 घंटे इसको आप लोग चार्ज करेंगे, और पूरी रात भर चार्ज नहीं करेंगे इसको, पूरी रात में लगा करके आप लोग को नहीं छोड़ना है, नतीजे बैटरी ख़राब होने के चांसेज रहेगा और चार्जर भी ख़राब हो जाता है। तो आप लोग 4 से 5 घंटे ही इसको चार्ज करेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी ये पीले पर जब आ जाएगा, हरे से जब उतर के और पीले पर जब आ जाएगा तो आपको चार्जिंग में लगा देनी है, और जब कभी भी रेड आते ही आप उसको चलाएंगे नहीं, रेड से पहले ही पीले पर जब आएगा तभी आप चार्जिंग इसको लगा देंगे।
और केयर रखेंगे इसको। आप लोग ये मैनुअल दिया रहता है, इस मैनुअल को आप लोग लम्को का मैनुअल दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ करके इसको आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं इसको। दोस्तों मैं आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल के जो मोटर व्हील होता है वो कैसे बदला जाएगा और कैसे रिपेयर किया जाएगा, जो डिस्क ब्रेक होता है उसको कैसे बदला जाएगा, कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग आगे की वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे दिव्यांग भाई बहनों को ग्रुप में शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।